बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीएनएल स्टूडियो से मैं हूं मोहसिन हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के वफद का गुज़िश्ता रोज औरंगी 5 नंबर में पुलिस की गोली से शहीद होने वाले नौजवान अरसलान के घर का दौरा। इनको मुआवजा दिया जाए, ये सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम मशहूर करते हैं, हमें मशहूरी नहीं चाहिए। हमें चुप छुपा करके इन तीनों मुजरम को सजाई मौत देना चाहिए। सिंध हुकूमत के लिए बहुत बड़े सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत इस बात को देखे कि ये जो डिफेंस का इदारा सिंध हुकूमत चला रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है, जो वजीर दाखिला का डिपार्टमेंट आता है, वो क्या कर रहा है? क्या वो इनके पास आया, वजीर दाखिला का डिपार्टमेंट? मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा DNN सैयद कौसर इकबाल से। जी सैयद कौसर इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी, गुज़श्ता रोज दो सिविल कपड़ों में पुलिस अहलकारों ने औरंगी 5 नंबर पे मोटरसाइकिल सवार अरसलान और उसके दोस्त को गोली मार दी। अरसलान मौके पर ही हलाक हो गया, जिसे अब बाकी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां DIG खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने SHO और पुलिस वाले की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिविल कपड़ों में मौजूद पुलिस अहलकार ने दोनों को रोकने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि ये डाकू है और ये डाकू समझ करके इन्होंने गाड़ी को तेज किया, जिसकी वजह से जो है पुलिस वालों ने इन पर फायर कर दिया और मौके पे ही जो है अरसलान की डेथ हो गई, जिसको अब्बासी अस्पताल पहुंचाया गया। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के रहनुमाओं ने वाकई की सख्त मजम्मत की और वापस उनसे इजहार ताजियत की। वफद में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सदर गुल रहमान, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के इंफॉर्मेशन सेफ्टी आकिब हुसैन भी शामिल थे और साथ ही औरंगी सोशल मीडिया एक्टिवेट नसीर अखबार के CT एडिटर सैयद कौसर इकबाल ने भी इस वाकये की कवरेज की। सैयद कौसर इकबाल, बहुत शुक्रिया सैयद कौसर इकबाल तफसीलात से आगाह करने का।